नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल के मॉडल टाउन क्षेत्र की रहने वाली 28 वर्षीय युवती की मौत का कारण डेंगू है या कोई अन्य कारण, यह मामला मीडिया में लगातार उछलता जा रहा है। आपको बता दें कि करनाल के मॉडल टाउन क्षेत्र की रहने वाली एक 28 वर्षीय युवती की मौत के बाद यह बात फैल गई थी कि उसकी मृत्यु डेंगू के कारण हुई है। डेंगू का नाम सुनते ही स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए। सूचना मिलने पर तुरंत ही विभाग द्वारा कार्यवाही को अमल में लाया गया और युवती की जांच की गई। जांच के दौरान यह पुष्टि हो गई कि महिला की मौत डेंगू के कारण नहीं हुई है। इस बात की पुष्टि सीएमओ योगेश शर्मा ने फोन पर समाचार एक्सप्रेस को दी और साथ ही साथ डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मंजू पाठक ने रूबरू होकर कही। आपको बता दें कि करनाल में इस समय जहां कोरोना अपना ग्राफ कम कर रहा है, वहीं डेंगू दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज तक कुल 44 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। इसमें से कोई भी हानिकारक डेंगू नहीं है। सभी मरीजों की स्थिति ठीक है। उन्होंने जानकारी दी कि डेंगू से बचाव के लिए सावधानियां रखना अति आवश्यक है। कहीं पर भी पानी को जमा ना होने दें। पानी गंदा हो या फिर साफ, दोनों तरह से ही मच्छर को पनपने का काम करता है। इसीलिए जहां तक हो सके एहतियात बरते। हाँ दोस्तों, मैं हूँ तरुण मदान और आप भी समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि मैं इस समय सिविल सर्जन कार्यालय मौजूद हूँ और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस समय डिप्टी सीएमओ और डॉक्टर मंजू पाठक। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से एक जो न्यूज़ थी वो वायरल हो रही है कि करनाल की एक महिला की डेंगू के कारण मौत हो गई है, डेंगू के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। मैं इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहूँगा कि वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। मैडम, अभी सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि एक महिला है जिनका कि उनकी डेंगू के कारण मौत हुई है, इस बारे में कितनी सच्चाई है? हमें भी अभी न्यूज़ से ही पता चला है ऐसी कि एक इन्फॉर्मेशन है कि एक लेडी की डेंगू से डेथ हुई है। जब हमने उसके बारे में पूरा पता किया, उसकी हिस्ट्री ली, तो हमें पता लगा कि उसको 5-4 दिन से वो बीमार थी और फिर अमृतधारा हॉस्पिटल में एडमिट थी। बट उसका जो हमने टेस्ट की रिपोर्ट्स देखी हैं, तो जो डेंगू का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट, उस टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। तो इट मीन्स कि उसको डेंगू तो नहीं था पेशेंट को। देखिए, इन्होंने हमें बताया कि वो महिला पिछले 5-4 दिनों से बीमार थी और वो अमृतधारा हॉस्पिटल में एडमिट भी थी, लेकिन जो डेंगू को कन्फर्मेटरी के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको एलाइजा टेस्ट बोला जाता है। एलाइजा टेस्ट उनको महिला का करवाया गया जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इट मीन्स स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि डेंगू से उनकी मौत नहीं हुई है, इसलिए जो भी सोशल मीडिया पर उस महिला की मौत की अफवाह बात कर रहे हैं वो टोटल फेक न्यूज़ भी हो सकती है। मैडम से एक बात और करना चाहूँगा, जब मैम अगर हम बात करें इस समय डेंगू के कितने केस हमारे करनाल में सामने आ चुके हैं? इस टाइम हमारे पास टोटल 44 केसेस हैं जो डेंगू पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनकी कि हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं और सब मरीज़ जो हैं वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मैडम, कोरोना ऑलरेडी चल रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, उसके बाद डेंगू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ा दी है, इस बारे में लोगों को आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो डेंगू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतें? मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अपने घर के आसपास सफाई रखें, गंदगी का पूरा ध्यान रखें और कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे कि हमारे फ्रिज के नीचे ट्रेज होती हैं, कूलर हैं, उनको हफ्ते में एक दिन ज़रूर खाली करें। हफ्ते में एक दिन ड्राई डे जरूर सेलिब्रेट करें और अगर कहीं पानी इकट्ठा है तो उसको ज़रूर इकट्ठा ना होने दें। डेंगू के 44 केसेस सामने आ चुके हैं, इसके अलावा जो मलेरिया भी इसमें सीज़न में फैलने के चांसेस रह जाते हैं, वो कितने केसेस सामने आ चुके हैं? मलेरिया के अभी तक हमारे पास 2 केस हैं। दोनों पीवी हैं कि पीवी केसेस? तो इट मींस मलेरिया कंट्रोल में है, डेंगू अब पैर पसार रहा है, कोरोना ऑलरेडी पैर पसार चुका है। बाकी कुल मिला के बात हम ये करना चाह रहे थे कि उस महिला के बारे में कंफर्मेशन ये चाह रहे थे कि एलाइजा टेस्ट उन मैडम का हो चुका है, उन महिला का हो चुका है। डॉक्टर लाल पैथ लैब जो कि अमृतधारा में ही है, वहीं से उसकी टेस्ट की कंफर्मेटरी हुई है, तो वो टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव। मैडम, वो महिला कहाँ की रहने वाली, उनकी क्या एज होगी?
मॉडल टाउन की रहने वाली थी, वो शायद 28 इयर्स की थी। देखिए डॉक्टर मंजू पाठक डॉक्टर जो कि डिप्टी सिविल सर्जन हैं डॉक्टर, उन्होंने हमें साफ स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि उन महिला की जो एज है वो 28 इयर्स की है। एलाइजा टेस्ट के माध्यम से डेंगू का कन्फर्मेशन किया गया है जो कि नेगेटिव पाया गया है, जिसका साफ तौर पर यह मतलब निकलता है कि डेंगू के कारण उन महिला की मौत नहीं हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी भी अफवाहें, जितनी भी उनकी मौत के बारे में बातें की जा रही हैं वो सारी की सारी फेक हैं और वो अफवाहें हैं। वो पिछले 5-4 दिनों से बीमार थी और उनके करनाल के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके अलावा मलेरिया के करनाल में 2 और डेंगू के करनाल में अभी तक 44 मामले सामने आ चुके हैं। 44 के 44 मामले अभी तक बिल्कुल पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक हैं। इसलिए हम समाचार एक्सप्रेस की तरफ से जनता से अपील करते हैं कि वो इस तरह की फेक न्यूज़ पर कृपया ध्यान ना दें, और अगर किसी को किस तरह की कोई भी ऐसी कोई लगता है उनमें उनको कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो वो अपना स्वास्थ्य विभाग के पास जाकर या सिविल अस्पताल में जाकर अपनी जांच करें। मैडम अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स की, डेंगू के सिम्टम्स की, तो डेंगू के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डेंगू में मेनली हाई ग्रेड फीवर होता है और आँखों के पीछे दर्द हैं और बॉडी के ऊपर लाल लाल चकते भी हो सकते हैं और मेन बॉडी एक्स हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी हो जाती हैं इसमें। डेंगू मेरे ख्याल से 2 या 3 तरह का बताया जाता है कि एक हीमोरेजिक डेंगू होता है जिसमें कि अगर बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो मानव शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्या ऐसा कुछ भी है? कॉमनली हेमरेजिक बहुत कम होता है। एलाइजा टेस्ट के अलावा डेंगू के लिए और कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है? और किट टेस्ट है बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो सिर्फ एलाइजा टेस्ट ही। देखिए हम आपको फिर दोबारा से बता रहे हैं, समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से डॉक्टर मंजू पाठक ने हमें साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि एलाइजा टेस्ट के माध्यम से ही डेंगू कन्फर्मेटरी हो सकती है। इसके अलावा किट टेस्ट होता है जिस पर हम थोड़ा सा कम यकीन कर सकते हैं। 44 केस करनाल में अभी तक आ चुके हैं। लोगों से इन्होंने अपील भी की है कि किस तरह से उनको सावधानी बरतनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको यह बताना चाहूँगा कि जिस महिला की मौत के बारे में सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई जा रही है कि उन महिला की मौत डेंगू से हुई है, वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया गया है कि डेंगू के कारण उनकी मौत नहीं हुई, किसी और अन्य वजह से वो काल का ग्रास बन गई हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.